Hello everyone. In the previous video, I told you about Newton's second law of motion. It states that rate of change of momentum is proportional to the applied force, right? So we get this formula Pf minus Vi upon t, and Pf can be written as m into v, mass into final velocity. Initial momentum is mass into initial velocity. I told you this in the previous video. And v minus u by t can be written as acceleration, right? So these are the three forms of the formula. आपको न्यूमेरिकल में किसी भी एक फॉर्म का यूज करना हो सकता है. नाउ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन. नाउ वन न्यूटन इज इक्वल टू मास का एसआई यूनिट क्या होता है? 1 kg. एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? सो आई कैन से दैट 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आप फोर्स का यूनिट ये भी यूज कर सकते हैं. एंड इफ आई आस्क यू डिफाइन 1 न्यूटन, देन हाउ विल यू से 1 न्यूटन इज दैट फोर्स विच व्हेन एक्टिंग ऑन बॉडी ऑफ मास 1 kg प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ऑफ 1 m/s². ठीक है, या दूसरे वर्ड्स में इफ बॉडी ऑफ मास 1 kg मूव्स विद एक्सेलरेशन 1 m/s², फोर्स प्रोड्यूस्ड इज 1 न्यूटन. ठीक है, ये तो है एसआई यूनिट. Now what is the CGS unit of force? CGS unit of force होता है dyne. तो 1 dyne किसके equal है? CGS unit mass का क्या है? Gram. What is CGS unit of acceleration? 1 cm/s². So 1 dyne is equal to 1 g/cm². और ऐसे ही आप 1 dyne को भी define कर सकते हैं. 1 dyne is that force which when acting on a body of 1 g moves with acceleration of 1 cm/s². ठीक है, ओके. नाउ व्हाट एल्स? सी, वी नो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या कहते हैं? मास इनटू वेलोसिटी. सो फ्रॉम डेफिनेशन वी कैन फाइंड आउट एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम. इसका होता है केजी और इसका होता है मीटर पर सेकंड. सो द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड फ्रॉम द डेफिनेशन. और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पता चलता है कि फोर्स Pf minus Pi upon time, right? So force into time is Pf minus Pi. Now, Pf minus Pi क्या है? Change in momentum. अब इसका unit देखो, force का ऐसा unit होता है newton, time का unit होता है seconds. तो momentum का, change in momentum का unit newton second है, तो momentum का unit भी newton second है. So you can use either of the two units. दोनों units ठीक है, newton second भी, kg meter per second भी. Okay? Now see this question. Which of the following unit represents rate of change of momentum? Rate of change of momentum मतलब force. इसमें से force का unit कौन सा है? Identify करो. ये तो momentum है, ये mass हो गया, ये velocity हो गया. So this is momentum. Okay, Newton second अभी बताया momentum. kg mass और ये है acceleration ma. ये है force का unit. ठीक है? ये किसका unit है? ये भी mass का है and this is velocity. This is CGS unit of momentum. Next question, which of the following unit does not represent momentum? Does not represent momentum. ये तो momentum है, mass into velocity, ये भी momentum है. Mass into acceleration, this is force. ये क्या है? ये भी momentum है, CGS unit अभी बताया. Dyne, ये force है. और dyne seconds किसका unit है? Dyne होता है force का, second हो गया time, FT. So ये भी momentum का unit है. So answer is C and D. C and D. दोनों फोर्स के यूनिट्स हैं, बाकी सब मोमेंटम के यूनिट्स हैं. नाउ पॉज द वीडियो एंड रीड दिस क्वेश्चन. मास है 5 kg, ड्यूरेशन इज 2 सेकेंड्स, ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 3 m/s टू 7 m/s. यू इज दिस, वी दिया है, मास दिया है एंड टाइम दिया है. यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एम वी माइनस यू बाई टी. पुट ऑल द वैल्यूज एंड यू विल गेट फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ओके, नाउ इफ फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड्स, तब फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फिर से यही फॉर्मूला लगाना है हमें. अब हमें फोर्स का वैल्यू मिल गया है 10 न्यूटन, मास भी सेम है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, और टाइम 5 सेकेंड्स हो गया. सो फाइंड आउट वेलोसिटी, यू विल गेट 13 m/s. ओके, नाउ वॉट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट फॉर द फॉलोइंग ग्राफ्स? देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये दिया है. This represents which kind of motion? Uniform speed or uniform motion, है ना? If you are not clear with the graphs, please watch
videos on the graphs I have uploaded in the motion chapter. The link is given in the description box. This represents uniform speed. अब स्पीड यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो. एक्सेलरेशन क्या होता है? वी माइनस यू अपॉन टी. दोनों स्पीड वी और यू इक्वल है, सो एक्सेलरेशन इज जीरो. एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स भी जीरो हो जाएगा. एफ एम ए होता है, ठीक है. नाउ हियर दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सो एफ इज इक्वल टू एम ए. यूनिफॉर्म स्पीड है तो ए भी जीरो होगा एंड देयरफॉर फोर्स इज आल्सो जीरो इन दिस केस. In this case, this represents uniform acceleration. Uniform acceleration means acceleration constant है, fixed value है. तो force की भी एक fixed value आएगी, right? This is constant, तो ये भी constant. तो answer आएगा constant force is acting on the body. इसमें क्या हो रहा है? ये होता है uniform retardation. Okay? Uniform retardation. Now that means acceleration जो है वो negative है. तो फोर्स भी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा. कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है बट रिटार्डिंग नेचर. कांस्टेंट फोर्स बट रिटार्डिंग इन नेचर. नाउ नेक्स्ट इज रीड द क्वेश्चन, ट्राई इट योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वॉच द वीडियो. मास इज गिवन, हैमर मूव्स विद दिस वेलोसिटी. यू इज गिवन, इट स्ट्राइक्स अ नेल, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन टाइम इन 0.01 सेकंड. सो नेल स्टॉप्स द हैमर, वी इज जीरो, टाइम इज गिवन टू यू. What is the force? कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एम वी माइनस यू अपॉन टी. पुट ऑल द वैल्यूज 1.50 माइनस 40 बाय 0.01. सॉल्व करेंगे आपको मिल जाएगा 6000 माइनस 6000 माइनस रिटार्डिंग नेचर. नेगेटिव साइन मीन्स फोर्स इज रिटार्डिंग, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है ना. अ बॉडी ऑफ मास 15 kg rests on frictionless surface. ठीक है, 15 kg का मास है, frictionless surface है, force of 30 newton acts on it. F दिया है, acceleration पूछा है, acceleration है F by m. Put all the values 30 by 15, 2 meter per second square. ठीक है, units का ध्यान रखेंगे, सब कुछ SI में होना चाहिए. ओके, अगर ये gram में होता तो आप इसे पहले kg में convert करते. Now what will be the velocity after 10 seconds? Velocity v is equal to u plus at. Body rest पे है पहले, so u is zero. Acceleration अभी find किया and time is 10 seconds. So velocity is 20 meter per second. Now what? How far will the body move in 10 seconds? Distance ut plus half at square. U is zero. Acceleration is 2. Time को put कर दीजिए. Answer आ जाएगा 100 meter. Okay? Now displacement time graph. ये आप खुद सोचिए. अभी जो क्वेश्चन नंबर टू किया था बिल्कुल उस पर ही बेस्ड है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, आपको पूछा है फोर्स बताइए फर्स्ट 4 सेकंड्स में कितना होगा. अब ये मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन मींस स्पीड कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स जीरो है. ओके, नाउ सो फोर्स इज जीरो. तो आपको चाहे जीरो टू 4 सेकंड्स के लिए पूछा जाए, जीरो टू 2 सेकंड्स के लिए, जो भी होगा फोर्स हमेशा जीरो रहेगा क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन जीरो है. Now velocity time graph is given, तब बताओ force क्या होगा. Now we can find acceleration from the velocity time graph. कैसे? By finding slope. I again say, अगर ये नहीं आता है तो आपको पहले graphs देखने पड़ेंगे. Slope of the velocity time graph gives you acceleration. और slope कैसे find करते हैं? Perpendicular upon base. Perpendicular है 8 और base है 4. So 8 by 4, 2 meter per second square. और force होता है ma. Mass हमें दिया है 2 kg. Acceleration 2, so 4 newton is the answer. ठीक है, I again say you have to check whether everything is in SI unit. अगर यहाँ पे किलोमीटर होता, ये किलोमीटर में होता डिस्टेंस, ये किलोमीटर पर आर्म में होता, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करते. ठीक है, एवरीथिंग शुड बी इन द SI यूनिट. आप मास को अगर kg में लिख रहे हैं, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए और ये न्यूटन में होना चाहिए. अगर आप इसको ग्राम में लेते हैं तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा और ये डाइन में आएगा. ठीक है, देन नेक्स्ट. ओके, नाउ फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स. स्पीड टाइम ग्राफ में हमें दो चीजें मिलती हैं, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस. एक्सेलरेशन मिलता है स्लोप से, डिस्टेंस आपको मिलता है एरिया अंडर द ग्राफ. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट 2 सेकंड्स, ये वाला एरिया.
ठीक है, एरिया कैसे फाइंड करें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दिस इज अ राइट ट्राइंगल, हाइट हो गया 15, बेस है 2, सो आंसर इज 15 मीटर. नाउ व्हाट इज द ब्रेकिंग फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड्स टू ब्रिंग द कार टू स्टॉप विद इन 1 सेकेंड. 5 सेकेंड्स के बाद देखो ब्रेक्स लगाई गई हैं, ब्रेक्स लगाई गई हैं, दिस रिप्रेजेंट्स विच काइंड ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मोशन चैप्टर में हमने किया है, दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, यानी कि ब्रेकिंग फोर्स है, ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो वो कितना फोर्स अप्लाई किया गया है, तो फोर्स जो होगा वो एम ए होता है. ए की वैल्यू फाइंड कर लो बाय फाइंडिंग स्लोप, स्लोप हो जाएगा 15 बाय 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 15, बेस इज 1, मास इज 1000 केजी, सो इट इज 15,000 न्यूटन. ओके, नाउ वैसे तो अगर आपसे फोर्स बोला जाए इट इज नेगेटिव इन नेचर, एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना, रिटार्डेशन है, -15 एक्सेलरेशन, फोर्स इज नेगेटिव, लेकिन आपसे पूछा है फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स, तो वो आप पॉजिटिव बताएंगे, +15,000, क्योंकि इट नेगेटिव साइन इटसेल्फ मींस इट्स रिटार्डिंग, और हम लिख ही रहे हैं कि फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स है, तो आप इसे पॉजिटिव. नाउ आयरन स्फीयर ऑफ मास 1 kg मूव्स विद वेलोसिटी 20 meter per second on a cemented floor. It comes to rest after traveling a distance of 50 meter. B zero है, आपको distance दिया है, force of friction पूछा है. देखिए, iron sphere है, वो move कर रहा है 20 meter per second speed से. So U is 20. It stops after some time. कितना distance travel करके S 50 meter. और आपको पूछा है कि कितना force of friction रहा होगा ना? Force of friction same formula M A. आपके पास M है acceleration. Find कर लो acceleration. v square minus u square upon 2s. ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो v 0 20 square upon 2 into 50. यू विल गेट -4 न्यूटन. बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है तो आप पॉजिटिव बताएंगे. नाउ पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई योर सेल्फ. आपको फोर्स पूछा है 0 टू 3 सेकेंड्स में. 0 टू 3 सेकेंड्स में फोर्स निकालना है. सेम फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन फाइंड कर लो पहले 0 टू 3 सेकंड्स में. एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप, स्लोप होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 120 बाय 3 व्हिच इज 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो फोर्स विल बी एम ए, 50 ग्राम है तो इसे पहले केजी में कन्वर्ट करना है, देन इनटू 40, सो इट इज 2 न्यूटन. सेकंड 6 टू 10 सेकंड्स में फोर्स बताओ, एक्सेलरेशन फाइंड करो पहले, इट इज 120 by this base is 4, 120 by 4, so acceleration is 30, actually -30 meter per second square, right? Because retarding in nature, the force ho jayega -1.5 newton. Okay, is there any interval in which no force acts on the body? Yes. Which portion? AB portion. AB portion mein koi bhi force nahi hai. Why? Because AB portion represents uniform velocity. Uniform velocity matlab acceleration zero hai. So force is zero. So answer will be between 3 to 6 seconds, force will be zero. Now see this question. Body of mass 2 kg moves with velocity of 5 meter per second and strikes a ball. Body 2 kg ka hai, 5 meter per second se strike kiya ball ko and it rebounds with the same velocity. Now what is the magnitude of the change in the momentum? अब देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मतलब 10 केजी मीटर पर सेकंड इसका मोमेंटम है. अब जब वापस गया तब भी मास तो सेम ही रहेगा, तब भी आप कहेंगे 10 केजी मीटर पर सेकंड है तो चेंज इन मोमेंटम तो जीरो हो जाना चाहिए. दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन मोमेंटम, पीएफ माइनस पीआई. सो पीएफ पीआई क्या है, 2 इंटू 5 10, और पीएफ भी 2 इंटू 5 10 होना चाहिए. आप कहोगे तो जीरो आएगा, बट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है. वाई? See, the velocity is vector quantity. तो आप velocity का sign same नहीं रख सकते हैं. एक बार ball जो है wall की तरफ जा रही है and the next time the ball is rebounding. It's coming back. तो एक sign को positive और एक sign को negative लेना पड़ेगा. You can't take positive signs for both the velocities. ठीक है? तो suppose हम ये वाली velocity को positive ले लेते हैं और ये वाला velocity को negative ले लेते हैं. तो initial momentum हो जाएगा 2 इंटू प्लस 5 प्लस 10 के जी मीटर पर सेकेंड, एंड फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 के जी मीटर पर सेकेंड. ओके, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी
एंड मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो मोमेंटम जो है एक जगह प्लस 10 है, दूसरा माइनस 10 है, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है. अब आप चेंज इन मोमेंटम जब आप फाइंड करेंगे, पी एफ माइनस पी आई, पी एफ इज माइनस 10 माइनस इनिशियल मोमेंटम इज प्लस 10, सो माइनस 20 के जी मीटर पर सेकेंड. लेकिन हमें पूछा है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताओ, तो आंसर इज 20. नेगेटिव साइन टेल्स डायरेक्शन ओनली. नाउ दिस क्वेश्चन इज सेम, इसमें बस मैंने चेंज यही किया कि वो 10 के जी मीटर पर सेकेंड से आ रहा है एंड इट इज गोइंग बैक विद द सेम वेलोसिटी. सो सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, सो आंसर विल बी 20 के जी मीटर पर सेकेंड. नाउ हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बबेल ऑफ मास दिस ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम 80 सेंटीमीटर हाइट. ओके, आई हैव थ्रोन अ डम्बबेल फ्रॉम हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये फ्लोर है. फ्लोर को टच करते ही कितना मोमेंटम ये ट्रांसफर करेगा फ्लोर को, दिस इज द क्वेश्चन. अब हमें पता है मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी. मास तो पता है, वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है. कितना वेलोसिटी होगा जब ये रूफ को फ्लोर को टच करेगा जस्ट पहले, है ना. सो यूज द फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh. 0 प्लस 2g क्या है, 10h है, 80 सेंटीमीटर यू हैव टू कन्वर्ट इन टू मीटर. सो आंसर इज वी स्क्वायर इज 16, सो वी आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो मोमेंटम कितना ट्रांसफर हुआ है, 4 इंटू 10 40 के जी मीटर पर सेकेंड. आप इसको न्यूटन सेकेंड में भी दे सकते हैं आंसर, याद रखिएगा बोथ आर एसआई यूनिट. Now, an object of mass 20 kg accelerated uniformly from velocity this to this. तो आपको u दिया है, v दिया है and time दिया है. You have to find initial and final momentum. देखो, initial momentum तो क्या होगा, mass into initial velocity. But this is in kilometer per hour converted into meter per second. Mass हो गया 20, 36 kilometer per hour. इसको meter per second में convert करने के लिए 5 by 18 से multiply करते हैं. Now this is 200 kg meter per second. PF, mass into final velocity, 20 into 54 into 5 by 18. So answer will be 300 kg meter per second. Now you have to find out magnitude of force. अब कौन सा formula लगाओगे, कौन सा form, ये वाला PF minus PI upon time. Put the values 300 minus 200 अपॉन 25 सेकेंड्स, तो आ जाएगा 100 बाई 25, 4 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट योरसेल्फ. फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास दिस, वेलोसिटी यू दिया है, वी दिया है, टाइम दिया है. फोर्स कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो एम वी माइनस यू बाय टी सेम, बस इसमें आपको मास को के जी में कन्वर्ट करना है. डिवाइड बाय 1000, 25 माइनस 15 by 2.5. I just put the values. So answer is 4 by 5.8 Newton. Now this question is important. एक बार पहले खुद try करिए. Now force of 12 Newton starts acting on a body at rest. Find the momentum of the body at 1 second, 2 seconds and 3 seconds after the force starts acting. देखो, पहले बॉडी रेस्ट पे है तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो होगा, राइट. बॉडी इज एट रेस्ट. नाउ फोर्स इज पी एफ माइनस पी आई अपॉन टाइम, ये ठीक है. नाउ पी आई जीरो, तो मैं फॉर्मूला सीधा लिख देती हूँ, पी एफ फाइनल मोमेंटम बाय टाइम. ठीक है, बस यही फॉर्मूला यूज करना है हमें. अब 12 न्यूटन फोर्स है, 1 सेकेंड के बाद टाइम 1 सेकेंड डाल दो, मोमेंटम हो जाएगा 12 न्यूटन सेकेंड. ठीक है, सेकेंड केस में फोर्स इज कॉन्स्टेंट 12 न्यूटन, पी एफ टाइम हो गया 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड्स के बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, 12 इंटू 2, 24 न्यूटन सेकेंड. फिर 12 न्यूटन इज इक्वल टू पी एफ बाय 3 सेकेंड्स, सो फाइनल मोमेंटम आफ्टर 3 सेकेंड्स विल बी 12 इंटू 3, 36 न्यूटन सेकेंड. ओके, सो दैट्स इट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इन द एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. Thank you for watching my video and please subscribe to my channel if you find my videos useful.